गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टू का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, गाय और बकरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। किसी नदी के पास एक बकरी चढ़ते चढ़ते कहीं से आ निकली। जब ठहरकर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं? गाय बोली, खैर अच्छे हैं। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी। कह रहा है कि किसी नदी के पास एक बकरी चढ़ते चढ़ते कहीं से आ निकली। जब वो ठहर कर इधर उधर देखा तो उसे एक गाय खड़ा हुआ पाया। पहले झुककर उसे वो सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं? गाय बोली, खैर अच्छे हैं। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी। अपनी परेशानी वो उसे बताने लगी। आदमी से कोई भला ना करे, उससे पहला पड़े खुदा ना करे। उसने क्या कहा कि आदमी से कोई भला ना करे और उससे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम दो तो बड़बड़ाता है, हो जो दुबली तो बेच खाता है। उसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। सुनकर बकरी का ये माजरा सारा, बोली, ऐसा गिला नहीं अच्छा। ये चिरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ये मजे आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे आदमी के दम से हैं। कद्र आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला न करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। दिल में परखा भला बुरा उसने, और कुछ सोचकर ये कहा उसने, यूं तो छोटी है जात बकरी की, पर दिल को लगती है बात बकरी की। ये जो है अल्लामा इकबाल ने लिखा है, और अल्लामा इकबाल की हर एक नज्म बहुत अच्छी होती है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। आगे है कि तालीम जो हमें हासिल हुई वो ये है कि अकलमंद से बड़े ही नहीं छोटे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि सिर्फ बड़े ही अकलमंद और समझदार हो सकते हैं, छोटे भी समझदार और अकलमंद होते हैं। कभी कभी हमें छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आगे देखेंगे अल्फाज के मानी। सलीका मीन्स ढंग, तमीज। मिजाज मीन्स तबीयत, हाल चाल। चिरागा मीन्स जानवरों के चढ़ने की जगह। लुत्फ मीन्स मज़ा। कलाम करना मीन्स बात करना। माजरा मामला। गिला शिकायत। कद्र अहमियत। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये नज़्म और ये वर्ड मीनिंग अच्छे तरीके से याद करेंगे। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।